नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम फंक्शंस सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या-क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम फंक्शन किसे कहते हैं तथा इसे कैसे डिफाइन किया जाता है यह सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के फंक्शंस सीखेंगे। हम फंक्शंस का कंपोजिशन निकालना सीखेंगे। अंत में कंप्यूटर साइंस में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस सीखेंगे। आइए फंक्शन को समझने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। माना कि ए चार छात्रों का एक सेट है, ए इक्वल टू सुरेश, महेश, हरि, नमिता, और बी 0 से लेकर 100 तक इंटीजर्स का सेट है। माना कि आर ए से बी में एक दिखाया गया रिलेशन है। आर की सहायता से क्या हम गणित में प्रत्येक छात्र के अंक प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नमिता के मार्क्स नहीं दिए हुए हैं तथा सुरेश के 2 अलग-अलग मार्क्स दिए हुए हैं। प्रत्येक छात्र के अंक निकालने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों की आवश्यकता है। प्रत्येक छात्र सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के ठीक एक एलिमेंट मार्क्स जाना चाहिए। कोई भी छात्र सेट ए का एलिमेंट बिना मार्क्स अर्थात सेट बी के एलिमेंट के नहीं छूटना चाहिए। यदि हम किसी रिलेशन में इन प्रतिबंधों को लागू करते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है। इस प्रकार फंक्शन इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ एक रिलेशन है। डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। एक्स से वाई तक का फंक्शन एफ एक ऐसा नियम है जो एक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई का एक विशिष्ट मान देता है। सेट एक्स को डोमेन कहा जाता है तथा सेट वाई को फंक्शन एफ का कोडोमेन कहा जाता है। वाई का सबसेट जिसमें हर एलिमेंट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की मैपिंग हो एफ की रेंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि x इक्वल टू 1 2 3 और y इक्वल टू 1 2 3 4 5 और f x से y में एक मैपिंग है जिसको f x इक्वल टू x प्लस 1 के रूप में परिभाषित किया गया हो, तो x डोमेन है, y कोडोमेन तथा सेट 2 3 4 f की रेंज है। यहाँ पर कुछ फंक्शंस के डोमेन तथा रेंज दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 1 1 फंक्शन। किसी फंक्शन को 1 1 कहा जाता है अगर डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में फंक्शन 1 1 होता है यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) को हम लें और इसके परिणाम स्वरूप हमें x1 इक्वल टू x2 मिले, या x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दिस टोटोलॉजिकली इंप्लाइज f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2)। 1 1 फंक्शन को इंजेक्शन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए f z से z में एक मैपिंग है जिसे f(x) इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3 के रूप में परिभाषित किया गया है। हमें दिखाना है कि f एक 1 to 1 फंक्शन है। माना कि x1 तथा x2 दो इंटीजर से हैं तथा f(x1) इक्वल टू f(x2)। इसको सॉल्व करने पर हमें x1 इक्वल टू x2 मिलता है जो यह साबित करता है कि f एक 1 to 1 फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन। कोई फंक्शन f x से y में मेनी वन कहलाता है यदि x में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो। मैथमेटिकल फॉर्म में एक फंक्शन f जो कि x से y में हो मेनी वन कहलाता है यदि x में ऐसे कोई 2 असमान एलिमेंट्स x1 तथा x2 हो जिनके लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) होता हो। उदाहरण के लिए यदि f z से z में एक फंक्शन हो जिसे f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 5 के रूप में परिभाषित किया गया हो, हमें चेक करना है कि f एक 1 to 1 फंक्शन है अथवा नहीं। माना कि x1 तथा x2 दो इंटीजर से हैं तथा f(x1) इक्वल टू f(x2)। इसको सॉल्व करने पर हम
एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू पाते हैं। हमारे पास एक्स वन के लिए दो मान हैं जो यह साबित करता है कि एफ एक मैनीवल फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन, कोई फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई ऑन टू कहलाता है यदि रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई हो, या दूसरे शब्दों में वाई के प्रत्येक एलिमेंट, स्मॉल वाई से जो यहां पर हमने डिनोट किया है, हर एक एलिमेंट के लिए एक्स में भी एक एलिमेंट स्मॉल एक्स से जो डिनोट किया गया है होना चाहिए जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई होता हो। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्शन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए एफ जेड से जेड में एक फंक्शन है जिसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव के रूप में परिभाषित किया गया है। हमें दिखाना है कि एफ एक ऑन टू फंक्शन है। यह साबित करने के लिए कि फंक्शन ऑन टू है, हमें यह दिखाना होगा कि कोडोमेन में प्रत्येक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट एक्स उपस्थित है जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू के। यदि हम एफ एक्स इक्वल टू के को एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव में रखते हैं तो हमें एक्स इक्वल टू के माइनस फाइव मिलता है जो इंटीजर है। इस प्रकार कोडोमेन में प्रत्येक इंटीजर के लिए डोमेन में एक इंटीजर के माइनस फाइव उपस्थित है जिसके लिए एफ ऑफ के माइनस फाइव इक्वल टू के माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू के होता है। इसलिए एफ की रेंज एफ के कोडोमेन के बराबर है और यह फंक्शन ऑन टू है। दूसरा उदाहरण यदि लें, एफ जेड से जेड में एक फंक्शन है जिसे एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स के रूप में परिभाषित किया गया है। हमें चेक करना है कि f एक ऑन टू फंक्शन है अथवा नहीं है। माना कि f x इक्वल टू k कोडोमेन z का एक एलिमेंट है। यदि हम f x इक्वल टू k को f x इक्वल टू ट्वाइस x में रखते हैं तो हमें x इक्वल टू k बाई टू मिलता है। यदि k एक विषम संख्या होगी तो k बाई टू एक इंटीजर नहीं होगा। इस प्रकार कोडोमेन में विषम संख्याएं डोमेन में किसी भी एलिमेंट से मैपिंग नहीं कर रही है, अतः फंक्शन ऑन टू नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन, किसी फंक्शन आई जो एक्स से एक्स में डिफाइन किया गया हो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है यदि प्रत्येक एक्स के एलिमेंट की मैपिंग स्वयं में ही हो। कॉन्स्टेंट फंक्शन, किसी फंक्शन एफ जो एक्स से वाई में हो को कॉन्स्टेंट फंक्शन कहा जाता है यदि प्रत्येक x के एलिमेंट की मैपिंग y के किसी एलिमेंट c में हो। दूसरे शब्दों में एक फंक्शन को कॉन्स्टेंट फंक्शन कहा जाता है अगर उसकी रेंज सिंगलटन सेट हो। इन्वर्टिबल फंक्शन, किसी फंक्शन f जो x से y में हो को इन्वर्टिबल कहा जाता है यदि इसका इनवर्स रिलेशन f इनवर्स y से x तक का एक फंक्शन हो, अर्थात y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए f इनवर्स x का एक अद्वितीय मान प्रदान करता हो। फंक्शन इन्वर्टिबल होगा यदि यह दोनों वन वन तथा ऑन टू हो। किसी भी फंक्शन के इनवर्स को निकालने के लिए पहले हम दिखाते हैं कि फंक्शन वन वन ऑन टू है और फिर हम y के संदर्भ में x लिखते हैं। हमें इस प्रकार फंक्शन का इनवर्स मिलता है। यहां पर उदाहरण में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई रेज पावर फोर एक्स प्लस फाइव का इनवर्स 1/4 लॉग एक्स माइनस फाइव है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यदि एफ एक्स से वाई में और जी वाई से जेड में दो फंक्शन हैं, तब एफ और जी का कंपोजिशन जिसे जी कंपोजिशन एफ, इन शॉर्ट इसे हम जी ओ एफ भी कह सकते हैं, जी ओ एफ के रूप में जो लिखा जाता है यह x से z तक का एक फंक्शन है। g कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स के रूप में हम इसे परिभाषित करेंगे। उदाहरण के लिए f r से r में एक फंक्शन है जिसको एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस वन और g r से r में एक फंक्शन है जिसको जी एक्स इक्वल टू एक्स बाई थ्री के रूप में हमने यहां पर परिभाषित किया है। हमें
एफ कंपोजिशन जी तथा जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ दोनों फंक्शंस आर से आर तक दिए गए हैं, इस प्रकार हम एफ ओ जी और जी ओ एफ को परिभाषित कर सकते हैं। एफ ओ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई थ्री इक्वल टू ट्वाइस एक्स बाई थ्री माइनस वन होगा, तथा जी ओ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस वन इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस वन बाई थ्री। सामान्य रूप से यदि आप देखें तो एफ कंपोजिशन जी एक्स तथा जी कंपोजिशन एफ एक्स आपस में बराबर नहीं होते। हम यहां देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है कि दो फंक्शन का कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है अथवा नहीं। दो फंक्शंस का कंपोजिशन एग्जिस्ट करना आवश्यक नहीं है। एफ कंपोजिशन जी के एग्जिस्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि जी की रेंज एफ के डोमेन का एक सबसेट हो। यदि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो तथा जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो तो एफ कंपोजिशन जी एग्जिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू आप यहां देखेंगे कि माइनस ऑफ लॉग एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है। जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि एफ एक्स का मान एक नेगेटिव होगा, जबकि लॉग पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। अब हम कंप्यूटर साइंस में कुछ उपयोगी फंक्शंस पर चर्चा करेंगे। फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन रियल नंबर से इंटीजर्स के सेट में एक मैपिंग है जो किसी रियल नंबर एक्स को उस अधिकतम इंटीजर में बदलती है जो कि एक्स से अधिक ना हो। उदाहरण के लिए फ्लोर फंक्शन 2.4 का मान 2, माइनस 3.6 का मान माइनस 4 तथा 5 का मान 5 होगा। सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन रियल नंबर से इंटीजर्स के सेट में एक मैपिंग है जो किसी रियल नंबर एक्स को उस न्यूनतम इंटीजर में बदलती है जो कि एक्स से अधिक हो। उदाहरण के लिए सीलिंग फंक्शन 2.4 का मान 3, माइनस 3.6 का मान माइनस 3 तथा 5 का मान 5 होगा। रिमाइंडर फंक्शन। माना कि एक्स एक इंटीजर है और एम एक पॉजिटिव इंटीजर है। रिमाइंडर फंक्शन को के मॉड एम इक्वल टू आर से परिभाषित करते हैं, जहां आर के को एम से विभाजित करने पर बचा हुआ शेष है। इसे कोई इंटीजर पी के लिए के इक्वल टू पी एम प्लस आर के रूप में भी लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 25 मॉड 4 इक्वल टू 1 तथा 17 मॉड 3 इक्वल टू 2। रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन। किसी फंक्शन को रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है यदि वह स्वयं के रूप में परिभाषित किया गया हो। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि फैक्टोरियल n इक्वल टू n n माइनस 1 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे हम इस तरह के भी लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। हमें मालूम है कि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। इस फंक्शन को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0 हो तथा x इंटू एफ एक्स माइनस 1 जब x 0 से अधिक हो। इस लेक्चर में हमने फंक्शन को डिफाइन करना सीखा, विभिन्न प्रकार के फंक्शंस सीखे, फंक्शंस का कंपोजिशन निकालना सीखा, और अंत में कंप्यूटर साइंस में प्रयोग होने वाले फंक्शंस के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।